मुसलमान लेमिन सेर, आज हम बात करेंगे इश्क है ड्रामे की एक दफा फिर से एंड के बारे में कि भैया इस ड्रामे का एंड क्या होगा। दोबारा से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में कुछ डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिला है। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कंक्लूड करूंगा रेहाना आफ्ताब को, आपने बहुत ही कमाल की राइटिंग की है इस ड्रामे की। का मतलब ड्रामा ही वो होता है जिसको हम प्रेडिक्ट ना कर पाएं या जिसके ऊपर बार बार हमें डिस्कशन करनी पड़े, और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसके एंड को मुझे डिस्कस करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज की शुरू में आप लोगों को बताऊंगा कि भैया एक्सपेक्टेड आपको लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जा सकता है, किस तरह से स्टोरी के अंदर मजीद इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा, और यहां पर क्या शाज़ेब लास्ट एपिसोड में सुसाइड करने वाला है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है कि क्या करने वाला है शाज़ेब लास्ट एपिसोड के अंदर। तो भैया खासा इंटरेस्टिंग आज का ये रिव्यू होगा, लेकिन कुछ अजीब बातें भी मैं डिस्कस करूंगा जो मुझे लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिली। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जल्द से करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो या @mallim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली कुछ अजीब बातों के बारे में, उसके बाद हम एंड को दोबारा से खुरेदेंगे। पहले नंबर पे तो भैया यहाँ मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि इस ड्रामे के अंदर क्या जितने भी प्लेन्स दिखाए गए हैं जिन पर सफ़र करना होता है आपने, क्या सभी ख़राब हैं? यहाँ पर सबसे पहले निमरा के पेरेंट्स का प्लेन क्रैश के अंदर यहाँ पर डेथ दिखाई गई, उसके बाद हमें दिखा दिया गया कि हारिस की माँ भी प्लेन क्रैश के अंदर मर गई। तो बता, मेरे ख्याल से ड्रामे के अंदर जो मोनोटनस फीलिंग है ना, जो मैं आपको पहली एपिसोड में नोट करके बताया था कि इस ड्रामे के अंदर ना सेम डायलॉग और सेम इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि डायरेक्शन की मिस्टेक है, क्योंकि राइटर ने तो एक चीज़ लिख देनी होती है, आपको डायरेक्शन में जाकर थोड़ा सा इसके अंदर मैनिपुलेट करके चीज़ों को थोड़ी वेरिएशन ले आनी चाहिए। इस तरह मुझे समझ नहीं आती कि मतलब यहाँ पर आपने दो एपिसोड पहले तक हारिस का करेक्टर इस तरह से पोर्ट्रेट करके रखा था कि जैसे उसकी ज़िद है, उसको बस किसी तरीके से इस तरह से शादी करनी है। ये जो प्यार मोहब्बत इश्क वाला लेवल आपने हारिस का भी दिखाया, ये आपने स्टार्ट से ऐसा दिखाया ही नहीं था। हारिस के करेक्टर को बहुत जगह पर ऐसा कहते हुए दिखाया गया कि किसी तरीके से बस मेरी इस तरह से शादी हो जाए, उसके बाद देखना, उसके बाद मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यहाँ पर हर तरह से उसके करेक्टर को आप ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उसे कोई खास प्यार नहीं है, सिर्फ जिद है। तो एकदम से अभी लेटेस्ट एपिसोड में से कैसे प्यार हो गया, कैसे वो इतनी इमोशनल बातें करने लगा, और आपने तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर उसको एक किस्म का हीरो बना दिया कि सारे रिजोल्व मसले हुए ही हारिस की वजह से। मतलब अगर हारिस सच ना बताता तो यहाँ पर शाज़ेब भी शादी कर लेता दूसरी, और इसरा का भी कोई फ्यूचर ना होता, तो फिर मेन हीरो तो हमारे पास हारिस हुआ ना। और हारिस को चूंकि आपने दिखा भी दिया कि हाँ वो इसरा से बहुत प्यार करता था, तो असल इश्क तो फिर हारिस ने किया, ना कि शाज़ेब ने, क्योंकि शाज़ेब तो अपने डाउट्स की वजह से इसरा को छोड़ चुका था। तो ये एक बड़ी खिचड़ी सी बन गई है। यहाँ पर मेरा ख्याल है हारिस के करेक्टर को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी, उसको इस तरह से नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए था कि हाँ उसको भी इश्क हो गया था इसरा के साथ और उसने अपनी जान पे खेल कर यहाँ पर सारी सिचुएशन को ठीक किया। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए था या नहीं। तो हम डिस्कस करते हैं आज के मेन टॉपिक को कि क्या शाज़ेब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर खुदकुशी कर लेगा, खुद को मार लेगा। हमें बहुत ज़्यादा इस तरह का फिलर इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि सेम डायलॉग। अच्छा, एक तो ये मिस्टेक भी हो सकती है जो कि मैं आपको बड़ी देर से बता रहा हूँ कि यार सेम डायलॉग ना बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं। सेम डायलॉग बोला था यहाँ पर इसरा के बाप ने कि जा इसरा, तुझे मेरी शक्ल भी नसीब ना हो, तू मेरा चेहरा देखने को भी तरसे, और उसके बाद उसके बाप की जान जाते हुए दिखाया गया। अब सेम बातें यहाँ पर कर दी हैं भैया शाज़ेब ने अपनी माँ के साथ, तो हमें लग रहा है ऐसा कि शाज़ेब भी खुदकुशी करने वाला है। और आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया भी कुछ ऐसा जाएगा कि वो बंदा इतना ज़्यादा गिल्ट में है, उसने इतने इश्क के दावे कर रखे थे, वो अपने आप को एक सच्चा आशिक मानता था इसरा का, अब इसरा को इतना ज़्यादा डिग्रेड करने के बाद, घर से धक्के दे के बाहर निकालने के बाद, वो खुद से ये चीज़ फील कर रहा है कि शायद मैं अब इसरा को डिज़र्व नहीं करता, या इसरा के पास अगर मैं जाऊँगा तो किस मुँह से जाऊँगा, किस मुँह से उसे इस बात का यकीन दिलाऊँगा कि हाँ मैं अभी भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूँ, उतना ही इश्क करता हूँ जितना मैं पहले करता था। तो वो तो मेरी किसी भी बात को मानेगी नहीं, क्योंकि पहले इतने इंटेंस सीन क्रिएट करके यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रिकवर किया था, तो अब वो कैसे रिकवर होगी? मतलब वो दिल से ही ना हार मान चुके और उसने इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ मेरा अब इस दुनिया में रहना बनता नहीं है, मुझे बस एक दफ़ा जाना लास्ट टाइम इसरा के सामने, उसके आगे कन्फेस करना सब कुछ कि हाँ वो सच्ची थी
और मैंने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उसके करेक्टर को मैंने बहुत बुरे तरीके से डिग्रेड किया, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और उसको जाके बताता हूँ कि हाँ किसकी गलती थी, कौन सच्चा तो कौन झूठा, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए वो अपना माइंड बनाएगा। वो कहेगा कि हाँ ठीक है, एक दफ़ा मरने से पहले मैं जाता हूँ इसरा के सामने और जाके उसे कहता हूँ कि मैं उससे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और दोबारा अपनी कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा चलो, ये चीज़ तो एक साइड पर होगी, आपको नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली दिखाया जाएगा कि भैया शाहज़ेब जाएगा इसरा के सामने और जाके वो उसे बहुत सारी बातें करने वाला है कि मैंने तुम पे शक किया, मैंने तुम्हारी करेक्टर असैसिनेशन की, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सारी बातें तो वो करेगा ही। लेकिन मुझे इस तरह के करेक्टर की समझ नहीं आती कि मतलब तुम किस मट्टी की बनी हो या तुम्हारे अंदर कौन सा एटीट्यूड है। भाई देखो, मर चाहे आपसे लाख कश करता हो, अगर आप उसकी आंखों में धूल डालोगे या उसे इतना ज़्यादा स्केप्टिकल बना दोगे कि उससे अपने इश्क पर डाउट हो, तो ये सारी कंडीशन होंगी और ऐसी सिचुएशन के अंदर आप चुप करके नहीं बैठ सकते कि हाँ मैंने तो कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं करनी, वो खुद से ही मुझ पर ट्रस्ट कर ले तो कर ले, यहां पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, ऐसा नहीं होता। मर्द किसी औरत से इश्क करता ही क्यों है, उससे इतना प्यार उस लड़की से हो क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन एक बहुत बड़ी उस लड़की की प्योरिटी भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़की से आपको इश्क है और वो यहां पर हर दूसरे दिन किसी गैर मर्द के साथ उठे बैठेगी, डेट पे जाएगी, कभी बंद कमरे में पकड़ी जाएगी और मर्द फिर भी उससे इश्क करता रहेगा। मर्द के इश्क करने की भी कोई रीजन होती ना, तो जब आप उस रीजन को खुद से ही बैठ के तोड़ दोगे तो ऑब्वियसली वो हर्ट होगा, यहाँ पर वो आपको छोड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पता चल जाए कि भैया आपको मिसगाइड किया गया था या आपके साथ प्ले किया गया था या आपके लवर के दरमियान दरार डालने के लिए इस तरह की प्लानिंग की गई थी, तो इसमें आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सिचुएशन को क्लियर करना है। इस ड्रामे से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है लड़कियों को कि ऐसी कंडीशन में आपको बस चुप करके बैठे रहना है, मर्द को खुद से पता चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमने अपने मुंह से कुछ भी फूटना नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता, आगे बढ़ के सिचुएशन क्लियर करो, बताओ अपनी हर तरह से सच्चाई बताने की कोशिश करो। फिर भी अगर अगला इंसान यकीन नहीं कर रहा तो आपको देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब जो तूने करना है कर ले, लेकिन ऐसे नहीं होता कि भाई सिचुएशन ही क्लियर नहीं करनी। खैर, हम आते हैं यहाँ पर, आएगा शाहज़ेब इसरा के सामने, हर तरह से वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और वही अपना एक्शन करके जाएगा कि मैं अब जा रहा हूँ, दोबारा तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस पॉइंट पर ना इसरा को इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब ये बस आप खुद की जान लेने जा रहा है, क्योंकि मेरे बगैर तो इसकी ज़िंदगी है ही नहीं। और डेफिनेटली अगर ये बात कर रहा है कि मैं दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये मुल्क छोड़ के जाने लगा है या यहाँ पर किसी तीसरी से शादी करने वाला है, ऑब्वियसली अपनी जान लेने वाला है। अब यहाँ पर एक दफ़ा फिर से हो सकता है कि इस तरह की माँ को समझाते हुए दिखाया जाए कि बेटा वो तुम्हारा प्यार है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम थोड़े से होश के नाखून लो और जाके उसको बचाओ, क्योंकि तुम भी उसके बगैर जी नहीं पाओगी, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। अब शाहज़ेब क्या करने वाला है ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि निमरा के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एक दफ़ा आपको शाहज़ेब का पता चल गया तो निमरा में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो भाई निमरा चूंकि दोबारा से दुल्हन बन के बिल्कुल सेम उसी तरह भागते हुए वापस आई है घर कमरे के अंदर, खुद को उसने बंद कर लिया, बेचारी रो रही है, तड़प रही है, इट्स जस्ट लाइक अ जोक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गुड्डा गुड्डी का खेल हो रहा है, बार बार दुल्हन बनती है और उसके बाद बेचारी को घर भेज दिया जाता है। इतना ईजी नहीं होता मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी लड़की के लिए कि वो बार बार से अपने आप को इस तरह से डिग्रेड करे या शादी की वो मेरे ख्याल से शायद इतनी ही कोई ज़िद लगा के बैठ जाए कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह ना हो, और वो भी वो लड़की जो दिखने में खुद काफ़ी खूबसूरत है, मतलब रियल ग्राउंड में ये बात मैं आपको कर रहा हूँ। खैर यहाँ पर होगा ये कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाने के बाद अपने आप को पहले उसने बड़ी मुश्किल से रिकवर किया था और ये यकीन दिलाया था कि हाँ मेरी शाहज़ेब से शादी होगी, तो दोबारा जब रिजेक्शन उसकी हुई है तो भैया फिर तो फॉर श्योर यहाँ पर आपको यही सीन दिखाया जाएगा निमरा के हवाले से कि भैया निमरा आपको लास्ट एपिसोड में सुसाइड करती हुई देखने को मिलेगी। हारिस भी मर गया, यहाँ पर सारे वो जो कुत्ते की जड़ है ना वो सारे मर रहे हैं, हारिस भी चला गया या जाने वाला है, अच्छा होता कि उसके ऊपर सिंपथी ना झाड़ी जाती लास्ट एपिसोड में। निमरा भी जा रही है, यहाँ पर माँ के अंदर अभी भी जहर है, बजाय ये कि अब लास्ट एपिसोड में उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जाए कि हाँ कोई भी माँ, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अपने बेटे की खुशियों को इतना ज़्यादा तरक करके सिर्फ अपनी ही जिद में बैठी हुई हो, तो एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल से उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करते हुए दिखाना चाहिए था कि हाँ बेटा मेरे से गलती हुई, लेकिन वो फिर भी अपनी अना और अकड़ में है कि नहीं 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 मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। तो खैर माँ का तो चेहरा अपना वो दिखाने वाला नहीं है, निमरा कर लेगी सुसाइड और यहाँ पर शाहज़ेब अब क्या करने वाला है वो भी बेसिकली सुसाइड करने वाला है। शाहज़ेब के साथ लास्ट एपिसोड में सीन कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है, क्योंकि घर वालों को तो पहले नहीं पता कि शाहज़ेब कहाँ गया और उसके बाद लास्ट टाइम इसरा से मिलने के बाद भी वो कहाँ जा रहा है,
किधर जाके मरेगा खपेगा इस बात का किसी को भी आइडिया नहीं, तो सभी लोग उसकी खोज में लग जाएंगे, उसको ढूंढने लग जाएंगे कि कहाँ गया शाहजेब। उसके घर वाले भी ढूंढ रहे होंगे और साथ में यहाँ पर इसरा को भी एहसास होगा कि भैया दिस इज़ द लास्ट चांस कि जहाँ पर शायद मैं अपनी अकड़ तोड़ के उस बंदे को जाके बचा लूँ जिस बंदे के साथ मेरा निकाह हुआ है और वो मेरा शोहर है और मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो भैया तकरीबन आप कह सकते हो कि यहाँ पर 90% इसी चीज़ के चांसेस हैं कि लास्ट एपिसोड में जिस भी पॉइंट पर शाहजेब खुदकुशी करने लगेगा तो वहाँ जाके इसरा उसको बचा लेगी और फिर आपको कुछ इमोशनल डायलॉग्स दिखाए जाएंगे, कुछ अच्छे से सीन दिखाए जाएंगे जिसके बाद शाहजेब और इसरा एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। 90% चांसेस इस चीज़ के और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही एंड आपको दिखाना चाहिए। ट्रेजिक एंड इसके अंदर बिल्कुल भी दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद अगर आपने सभी कैरेक्टर्स को मारना ही था, हारिस भी मर गया, निमरा भी मर गई और उसके बाद फिर शाहजेब को भी अगर आपने मार देना है तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता, कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता। मेरे ख्याल से आपने एक किस्म का इश्क को भी मार दिया। तो मुझे नहीं लगता कि शाहजेब लास्ट एपिसोड में सुसाइड करेगा, लगता कुछ ऐसी है कि इसरा उसको बचा लेगी और उसके बाद फिर आपको ड्रामे की एक अच्छी हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी और ड्रामा बहुत अच्छे से समराइज होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो भैया ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सीन आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरह से स्टोरी चल सकती है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिल सकते हैं लास्ट एपिसोड के अंदर, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही, आपके स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब करने के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।